आदर और सम्मान के योग मेरे साथ में इस परिवर्तन यात्रा में चल रहे पार्टी के राष्ट्रीय प्रदेश जिला और हल्का स्तर के सभी नेतागण बहुत ही मान और सम्मान के योग गांव मांडूठी के मेरे आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों नौजवान साथियों सम्मान के योग के माताओं बहनों सबसे पहले तो मैं आपका इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूं कि मांडूठी गांव में जैसी यात्रा पहुंची सैकड़ों ट्रैक्टरों को लेकर के नौजवान साथी बड़े बुजुर्ग माता और बहनों ने इस काम के समय में भी अपने ट्रैक्टर जोड़ करके यात्रा का स्वागत किया अभिनंदन किया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आज 9 वर्ष हो गए मेरे प्रदेश बीजेपी बने अगर 9 वर्ष का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। आज से 4 वर्ष पहले जब इन्हीं दिनों में विधान लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो हमारे देश का प्रधानमंत्री जगह जगह जाकर के भाषण देता था कि अगर मेरी एक बार फिर से सरकार बन गई तो 2022 प्रधानमंत्री ये बात कही थी आए लोग करने के लिए अब की बार फसल कीमत कम कर दे थोड़ा वर्ष में जैसे बारिश जैसे कीमत मिलनी चाहिए थी वो देने की एक तो चौधरी जिला का राज हुआ करता था ओलावृष्टि तो नाम में बांट दिया किसान मिलता था अब बोनस बहुत दूर आता है जो सरकार रेट है वो नहीं मिलता जो सरसों की खेती करते हैं सरसा के विवाद जो राजस्थान के जिले हैं लोग सरसों से निर्भर करते हैं अब की बार सरसों का सरकारी रेट जो है 5450 रुपए था बाजार में बेचने गए सरकार ने खरीदी नहीं खुले में बेचनी पड़ी मजबूर होकर के भाव मिले 4400-4500 रुपए एक ₹4 क्विंटल की जो है मार किसान की है महंगाई बढ़ गई भ्रष्टाचार बढ़ गया कानून व्यवस्था खत्म हो गई पढ़े लिखे नौजवान की रोजगार और नौकरी चली गई अब तो नई चुनी हुई पंचायतें जो है भी दुखी है सरपंच भी परेशान है सारे पर सरपंच होके सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे लड़ाई लड़ रहे हैं 500 से ज्यादा गांव में जाकर के है रोजाना 20 किलोमीटर का सफर तय करता हूं 10-12 के लोगों से मिलता हूं सरकार बनने के बाद हमारे गांव में कोई एक ऐसा काम उससे गांव के लोगों को फायदा मिला मांडूठी तो बड़ा गांव है इस गांव में कोई काम कराया सरकार ने ऐसा कि जिसकी वजह से गांव के लोगों को फायदा मिला कोई गांव नहीं कोई काम नहीं करवाया गांव में ना तो गांव में पीने का पानी है अगर कहीं स्कूल है तो मास्टर नहीं है गांव के अंदर कोई डिस्पेंसरी बना दी कोई गांव के अंदर कोई हॉस्पिटल बना दिया छोटा मोटा तो डॉक्टर नहीं है दवाई नहीं है
सड़कें टूटी पड़ी है, विकास के ऊपर एक नया पैसा खर्च नहीं, और अब पंचायतें खाली बैठी है। चुटाला साहब का राज था, सरकार आपके द्वार कार्यक्रम होते थे, अरमानोटी वाले जाके कह देते थे हमारा गांव का स्कूल अपग्रेड कर देगी, चंडीगढ़ जाने से पहले स्कूल अपग्रेड हो जाता था, होता था कि नहीं होता था। अस्पतालों में डॉक्टर भी थे, गांव वाले डिमांड करते थे हमारे गांव की पुराना रास्ता कच्चा पड़े उसने पक्का कर दे, पक्की सड़कें बनी कि नहीं बनी, सारे एक एक गांव को पांच पांच छह छह सड़कों के साथ जोड़ दिया था, जो कोई कच्चा रास्ता एक गांव से दूसरे गांव को था सारे पक्के कर दिए थे। आज की तारीख में वो टूट गए, लेकिन उनके किसी ने कारी मुठा भी नहीं लगाया। आज हर वर्ग का आदमी दुखी है, परेशान है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी कर्मचारी दुखी है, हर आदमी बदलाव चाहता है। मांडोटी तुम्हारा अपना गांव है नहीं है, अब हर आदमी परिवर्तन चाहता है, हर आदमी बदलाव चाहता है। तुम भी बदलाव चाहते हो कि नहीं चाहते हो? बदलाव चाहते हो? चुटाला साहब ने जब इसकी शुरुआत करी थी परिवर्तन यात्रा की 24 फरवरी को, तब उन्होंने कहा था कि एक बात लोगों से खुल के पूछना कि धाम परिवर्तन चाहते हो, वहां हमारे पे विश्वास भरोसा भी करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास करते हो कि नहीं करते हो? विश्वास करते हो। विश्वास का एक कारण है, चौधरी देवीलाल ने जो कोई वायदा आपके साथ किया पूरा कर दिया। इंडियन नेशनल लोकल पार्टी चौधरी देवीलाल का लगाया हुआ पौधा है। चौधरी देवीलाल ने सन 1986 में जब न्याय आंदोलन चला रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि बुजुर्गो मन भंजना स्वरूप पेंशन करूंगा, 10,000 के कर्जे माफ करूंगा, और ये भी कहा था उन्होंने 51 रुपए कन्यादान के दूंगा। ये तीन बात कही थी कि नहीं कही थी? बंसीलाल मुख्यमंत्री था, बोला देवीलाल तो बेकार है तुम्हें, और चौधरी देवीलाल ने कहा कानून बना दूंगा, एक बारी राज बना दूंगा। आपने राज बना दिया, चौधरी देवीलाल ने कानून बना करके 100 रुपए पेंशन कर दी, 10,000 के कर्जे माफ कर दिए, 5100 कन्यादान के भी दे दिए, तीनों काम कर दिए थे। काम और बहुत सारे करे थे, ट्रैक्टर का गड्ढा बनाया था, रीजन बैकवर्ड की चौपाल बनाई थी, आपके खेत के साथ लगा हुआ सरकारी दरखत उसका आधा हिस्सा दिया था, सारे रेडियो के साइकिल के टोकन माफ कर दिए थे, हर तरह की सुविधा दी थी, ट्रैक्टर का गड्ढा बना दिया था, हर तरह की सुविधाएं देने का काम किया था। लेकिन आज की जो सरकार है वो तो चौधरी देवीलाल की दी हुई 100 रुपए पेंशन भी काटना शुरू कर गया। परिवार पहचान पत्र के नाम के ऊपर एक कार्ड बना दिया, क्या तो ये इससे सुविधा ज्यादा मिलेगी, और सुविधा देने की बजाय बुजुर्गों की पेंशन काट दी। अनूठी में कटी कि नहीं कटी पेंशन? खूब लोगों की पेंशन है। अब तो मुख्यमंत्री कहता है जिसके घर में मोटरसाइकिल है उसने भी पेंशन नहीं दूंगा, मोटरसाइकिल तो हर कोई ले फिर आजकल है नहीं है, गरीब से गरीब घर का भी है, क्योंकि मोटरसाइकिल तो 200-500 रुपए की किस्त में मिल जाए, इसकी हर कोई मोटरसाइकिल ले आए, और वो कहता है जिस पर मोटरसाइकिल है उसने भी कौन दे, खुद का तो साइकिल नहीं है, 2 लाख रुपए ले भाई, लेता है कि नहीं लेता? खुद के 2 लाख बंदूक है, पर थारे वो जो पेंशन मिले उसकी तकलीफ है, भी मैं देवीलाल की बनाई पेंशन काट दी, जब पेंशन काट दी पीले कार्ड काट दिए वही 1100-1100 रुपए और ले लिए थारे। अब कहते हैं आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ जोड़ दो, पैन कार्ड तो वो लोग बनाया करते हैं जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, जो कोई बिजनेस करते हैं, जो कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, गरीब आदमी का पैन कार्ड का क्या मतलब है? आज के लिए फरमान आ रहे हैं कि नहीं 1100 रुपए आ रहे ना, किस नाम के लिए हमारे से 1100? केवल और केवल ये दोष दिखाते हैं कि हम सत्ता में बैठे हम अपनी मर्जी के फैसले थारे पर लागू करेंगे। ऐसे लोगों को सबक मिले इसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चुटाला ने परिवर्तन यात्रा शुरू करी है। चुटाला साहब का फैसला है कि अगर परिवर्तन ले आओगे सरकार बनाओगे तो फिर 1100-1100 थारे से लिए इस पैन कार्ड का पाड़कर कोल्डी में फेंकेंगे,
और थारे 1100 उल्टे देंगे। ये थारे उल्टे भी देंगे, इनका ब्याज भी साथ में उठाएंगे। और वही इसके साथ साथ जो 100 रुपए पेंशन चौधरी देवीलाल ने दी थी, उस पेंशन को बढ़ा के 7500 रुपए करें। ये जो कांग्रेस आएंगे थोड़े दिन में थारे भी जुड़े, क्योंकि मैंने यात्रा शुरू कर रखी है। इन सबके बहुत पीड़ा है आजकल, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे सरकार वाले हैं, चाहे जेजेपी वाले, सारे के सारे इस यात्रा से दुखी है। और ये बहुत जल्दी थारे पास चल के आएंगे, वो भी तुम्हें यही कहेंगे कि ये भी तुम्हें बेकार है, कहां से दे देगा 7500। चौधरी देवीलाल ने कैसे दे दिए थे, कानून बना दिया था कि नहीं बना दिया था? तो कानून नहीं बनाना जानता, बना दूंगा कि नहीं बना दूंगा? तो कानून बना करके कानून के तहत हर आदमी को, हर बुजुर्ग को मान सम्मान के रूप में 7500 रुपए पेंशन देंगे। आप 7500 पेंशन देंगे, वही ये पढ़े लिखे नौजवान बच्चे जो बेरोजगार आज, जिनके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, कोई काम नहीं है, आज खाली घूम रहे हैं। इस सरकार ने तो नौकरी देने की बजाय लोगों को नशे की तरफ झोंक दिया, झोंक दिया कि नहीं झोंक दिया? नशे की तरफ, नशा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? नशे पे रोक लगाने की बजाय अपने कहते लोगों को कहते बेचो, कोई नई जनरेशन किसी की खत्म है तो ये पैसे कमाने में लगे हुए। चौटाला साहब ने कहा कि हर घर से पढ़े लिखे को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, बेटी और बेटी दोनों को देंगे। वही उसके साथ साथ जो कोई बेरोजगार रह जाएगा उसे 21000 रुपए बेरोजगारी बता देंगे। आजकल महंगाई बढ़ गई, खाद महंगा हो गया, बीज महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, कीड़े मार दवाइयां महंगी हो गई, और गैस भी महंगी हो गई, इतनी हो गई। मोदी तो कह धरा खाते हैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा, मुफ्त में जाना हो गया तो सिलेंडर सिलेंडर मुफ्त आता है क्या आजकल? मुफ्त में नहीं आता, 400 वाला सिलेंडर आजकल 1200 रुपए का हो गया। घर घर में गैस के चूल्हे धरा दिए मोदी ने, लेकिन अब सिलेंडर देने की बजाय 1200 रुपए में खरीदने पे मजबूर कर दिया। जब सिलेंडर खत्म हो जाता है और भरवाने के लिए कहती हो रोड़ा माचा है कौन माचा करके, तब रोड़ा हो जाए, तब विवाद खड़ा हो जाता है, झगड़ा होना शुरू हो जाए। आप चिंता मत करो, मोदी ने तो नहीं दिया, लेकिन राज बनाओ, परिवर्तन लियाओ। एक गैस का सिलेंडर हर 1100 रुपए हर महीने थारे पास मुफ्त गया। परिवर्तन लाने के लिए कोई लंबा संघर्ष करने की जरूरत नहीं, गांव में बैठे, घर में बैठे बैठे परिवर्तन कर सको। आजकल सबके पास टेलीफोन है कि नहीं है? सारा दिन फोन पे बात करो। ये महिलाएं सारा दिन एक दूसरे को टेलीफोन करके कहते हैं तने के सब्जी बनाई है, तने कौन सी कटी बनाई है, दाल बनाई है, पूछती है नहीं पूछती है? के लिए बात भी करो फोन पर। हर आदमी सारा दिन फोन पर लगे रहे, जब फोन करो तो राम राम करो, तो साथ के साथ को परिवर्तन करो, एक दूसरे को मिलो जब तब भी को परिवर्तन करो, बड़े बुजुर्ग को जब मान सम्मान दो तो उसको भी को परिवर्तन करो। हर कोई अपना अपना घना ही समझे कि मैं सरकार के बहुत नजदीक हूं, वो जब आपको मिले तो उसको 3 बारी को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। उसको जब 3 बारी दिन में 1 बारी मिलेगा, और 20-30 लोगों को जब मिलेगा, 20-30 लोग जब उसको 3-3 बार परिवर्तन करो, परिवर्तन करो कहेंगे, तो 100 बार उसके कान में पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और 100 बार जब सुनेगा तो घर जाएगा तो अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा रोटी बना चाय पिला, तो वो भी कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, कहेगा कि नहीं कहेगा? तो फिर परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? तो यही बात आपसे कहने के लिए आया था, एक निवेदन और करूंगा। हम रोजाना 30 किलोमीटर चलते हैं, आज 1050 किलोमीटर के करीब का सफर तय किया है, 500 से ज्यादा गांव में जाके आए। हर गांव से अगले गांव तक जो है
मैं गांव के लोगों से प्रार्थना करता हूं कि आप भी मेरे साथ अगले गांव तक पैदल चलो। जब अगले गांव तक पैदल जाते हैं तो उसके गांव के लोगों को ये महसूस होता है कि इन्होंने फैसला कर लिया कि परिवर्तन करेंगे। मानो ठीक तुम्हारा अपना गांव है, तुम्हें तो मैं हद से भी कह सकता हूँ भाई तो मैं अगले गांव तक मेरे साथ चला। कौन सा गांव अगला? एक बात और कहनी भूल गया, मेरे याद आ गई। मैं एक बार तुम्हारे गांव में 2018 में आया था, यहाँ पार्ली साइड में वो पढ़ा रहे थे दलाल भवन, यही पढ़ रहा था उस वक्त में आया था। और मेरे सामने मांग रखी थी भी इसमें तेरा भी कोई हिस्सा होना चाहिए, मैं 30 लाख रुपए उठ के गया था, मैं देऊंगा 31 लाख। उस वक्त हमारा एक एम पी होता था कश्यप, मैंने उसको कहा था 31 लाख रुपए इनके देने होंगे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मेरे पास उसके बाद कोई एक भी व्यक्ति गांव का या खाप का नहीं आया जिसने आगे मुझे एक दिन भी कहा हो कि अब सिंह तू पैसों की क्या क्या था, हमारे पैसे अब तक नहीं आए। कोई नहीं गया मेरे पास आज तक। आज मेरा भी रफी सिंह राठी ने जिक्र किया, मैं बोला मैं ही गांव वालों से पूछूंगा मेरे धर्म को आया था कितना, ना गांव का सरपंच ना खाप का कोई आदमी ना कोई उसके जो मेरे साथ थे उनसे है। पर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने जो बात उठनी थी थारे सामने उसको पूरी करूंगा, हर हालत में थारे पैसे खाते हुए।